फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे यहाँ इंडियन फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला है। सबसे पहले रक्षाबंधन आने वाला है, तो मैं आज आपको रक्षाबंधन से रिलेटेड एक रेसिपी बताने वाली हूँ। और वो रेसिपी एडेबल चॉकलेट राखी की है, जो आप खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। ये रेसिपी आप भाई या बहन दोनों के लिए बना सकते हैं। आइए चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट है। हम 100 ग्राम चॉकलेट लेंगे। अब हम इसे मेल्ट करेंगे। आप इसे डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं। मैं इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे डबल बॉयलर में मेल्ट कर सकते हैं। उसमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। माइक्रोवेव में यह 1-2 मिनट में मेल्ट हो जाती है। अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे स्पून से अच्छे से चलाएंगे। हम इसे जितना अच्छे से चलाएंगे, हमारी राखी उतनी ही शाइनी बनेगी। देखिए चॉकलेट कितनी शाइनी हो चुकी है। अब हम एक फॉल पेपर लेंगे, उसको एक प्लेट पर सेट कर देंगे। उसके ऊपर हम मेल्ट की हुई डार्क चॉकलेट डालेंगे। हम थोड़ी सी चॉकलेट बचा कर रखेंगे। बची हुई चॉकलेट बाद में स्टिक करने के काम आएगी। हम स्पून से इसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक सर्कुलर शेप देंगे। शेप ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। मैंने इसे फैला लिया है। अब मैं इसे टैप करूँगी। अब हम इसे सेट करने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। 10 मिनट हो चुकी हैं, चॉकलेट अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे एक शार्प कटोरी से काटूंगी। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे भी काट सकते हैं। इससे मैं सारी चॉकलेट राउंड शेप में काट लूंगी और एक प्लेट पर रखेंगे। मैंने सारी चॉकलेट को राउंड शेप में काट लिया है। अब हम एक रिबन लेंगे। मैंने 2 कलर का रिबन लिया है। आपके पास जैसा हो आप वैसा ले सकते हैं। अब रिबन को हम चॉकलेट के ऊपर रखेंगे बीच से। फिर उसके ऊपर हम मेल्ट की हुई जो बची चॉकलेट है उसको अच्छे से लगाएंगे। अब हम इसे अच्छे से फैला लेंगे ताकि रिबन अच्छे से चिपक जाए। हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे। मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट लेंगे। इसे माइक्रोवेव में अच्छे से हम मेल्ट करेंगे, जैसे हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट किया था। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हम इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। हमारी चॉकलेट सेट हो चुकी है। चॉकलेट को मैंने कोन में डाल लिया है। ये कोन आप इजीली पॉलिथीन से बना सकते हैं। इस तरह मैंने 2 कोन बना लिए हैं और राखी को मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं कोन में नीचे से कट लगाऊंगी और कोई भी डिजाइन आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। एक राखी पर मैं जिगजैग डिजाइन बना रही हूँ इस तरह। दूसरी राखी पे मैं भाई लिख रही हूँ और नीचे मैंने छोटा सा दिल बनाया है। हम तीसरी राखी पर ब्रो लिख रहे हैं। इस तरह हमारी सारी राखी बनकर रेडी है। मैंने इसे एक प्लेट पर लगाया है। ये राखी जितनी देखने में सुंदर है, उतनी ही खाने में बहुत टेस्टी है। अब आप राखी को फ्रीज में एयर टाइट डब्बे में रखकर स्टोर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें।